अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, या हमारे जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है उसकी फेल होने की रीजंस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और उसके रेमेडीज क्या हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारे दो फॉर्मेट है, या ABC। ए के अंदर आप बता दें इसके कॉजेस क्या है, बी में इसके इफेक्ट्स और सी में इसके रेमेडीज। या दूसरा तरीका होता है उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट में वन सेंटेंस में कॉजेस, वन सेंटेंस में इफेक्ट्स और वन सेंटेंस में जो 3 से 4 इसकी रेमेडीज होती है। उसके बाद जो कॉजेज है, कॉजेज के अंदर जो हमारे एजुकेशन हमारा क्यों फेल हुआ है, उसमें सबसे पहले जो हमारी मेन रीजन है वो है फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म या उसके एजुकेशन के साथ क्या लिंक है? फ्यूडलिज्म या फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो तकरीबन हमारी लैंड का 60-70% उनके पास है, 70-80% उन रेवेन्यू इन टर्म ऑफ हमारे बैंक्स, इन टर्म्स ऑफ हमारे स्टील मिल्स, शुगर मिल्स, बेशुमार जितना भी हमारा है। ये आबादी का जस्ट 1% है। पहले 22 खानदान थे, अब ये 500 हो गए हैं। पूरे साउथ पंजाब में है, पूरे सिंध में, पूरे बलोचिस्तान में। ये क्या करते हैं, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में स्कूल्स हैं लेकिन ये वहां पे टीचर्स को भी नहीं जाने देते। स्कूल्स हैं लेकिन वहां पे ये बच्चों को नहीं जाने देते। टीचर की सैलरी भी जा रही है उसके अकाउंट में, बच्चों के जो भी इनके वो फंड्स वगैरह वो भी जा रहे हैं, लेकिन वो टीचर क्या करते हैं इसके अंदर, वो हमारे क्या होता है कि ना बच्चे स्कूल जाते हैं और ना टीचर को अलाउ होता है कि वो जो भी वडेरा का इलाका है या वहां पे अपने मजारे को अलाउ करे या वहां पे जाके वो पढ़ सके। तो इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मेन रीजन है वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। और मजे की बात यह है कि यही हमारे लॉ मेकर्स हैं, यही हमारे सेनेटर्स हैं, यही हमारे CM है, यही हमारे जितने भी है मिनिस्टर्स हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और इन्होंने कानून बनाना है। तो जब ये खुद ही अपने खिलाफ कानून नहीं बनाएंगे तो हमारे एजुकेशन की सूरत है वो कैसे बेहतर हो सकती है। नंबर टू है एजुकेशन सिस्टम फेल होने की लैक ऑफ एजुकेशन बजट। अभी जो लेटेस्ट हमारा आया है उसमें हमारा जो एजुकेशन बजट है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 और 2023 के मुताबिक जो है वी आर जस्ट स्पेंडिंग 1.4% ऑफ GDP, यानी हम अपने GDP का जो है वो सिर्फ 1.4% कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरी 100 रुपीज सैलरी है तो उसमें से मैं 1.5 रुपए जो है वो एजुकेशन पे कर रहा हूँ। अब जो वो 1.5 रुपए होता है उसमें क्या होता है कि जाहिर बात है उसमें तो टीचर्स की ट्रेनिंग भी नहीं होगी, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, उसमें हमारी लैब्स भी नहीं आएंगी, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी नहीं आएगा, उसमें बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ जिसके अंदर आपके चेयर्स, रूम्स, फैंस, ये जो आपकी बाउंड्री वॉल है ये भी इसके अंदर नहीं आएंगे। और अगर हम अपने एशियंस कंट्री देख लें, कंपेरिजन करें, हमारे श्रीलंका का 90, कुछ लोग कहते हैं 99% है। अब चाइना का देख लें 90% लिटरेसी रेट। उनके रीजन क्या है कि वो दे आर स्पेंडिंग 4% ऑफ द GDP। और अगर हम डेवलप्ड की बात करें तो डेवलप्ड दे आर स्पेंडिंग 7% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन सेक्टर। तो ये दूसरी रीजन हमारी एजुकेशन फेलियर की कि हम एजुकेशन के ऊपर जो है वो वी आर जस्ट स्पेंडिंग 1.4% ऑफ GDP जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान। नंबर थर्ड के ऊपर हमारा है डिफरेंट सैलरी या सिलेबसेस। अब डिफरेंट सैलरी या सिलेबसेस क्या होता है, हमारे यहाँ पे 3 सिस्टम है। सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम। गवर्नमेंट के जो सिस्टम है जिसमें हम मैट्रिक इंटरमीडिएट करते हैं, यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है 60-70% हमारी जाती है। और यहाँ पे जो पैदा होते हैं वो क्लर्क पैदा होते हैं, रट्टे लगाते हैं, रोट लर्निंग है और उसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिस है ही नहीं है, ठीक है। ये लोग बेसिकली बड़े होकर क्लर्क बनते हैं। दूसरा जो सिस्टम इसके अंदर आ जाता है वो हमारा ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज का, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज जिसके अंदर LGS है, जिसके अंदर बीकन हाउस है, शोएफा आता है, ये 10-15% है। ये वो वाले लोग पैदा करते हैं जो मुल्की क्रीम होती है, जो आपके CSS है, ये जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर लोग है। क्यों है? क्योंकि इनके पास जो क्रिएटिव चीजें हैं, इनके पास जो चीजें हैं वो टोटली डिफरेंट है। ये बच्चों को रट्टा नहीं लगाते, बच्चों को 10-15-20-50 किताबें नॉवल पढ़ाते, उसके बाद बच्चा खुद लिखने के काबिल हो जाता है। तीसरा हमारा सिस्टम है मदरसा। मदरसे के अंदर जिस तरह आप KPK के अंदर देख ले तो वो बच्चा जो है टोटली जो है आपका वो एजुकेशन जो है वो मदरसे के अंदर जो है वो कुरान जो है वो हिफ्स करता है। अब कुरान हिफ्स करके बाद उसको बेचारे को वो एजुकेशन, क्योंकि उसकी वो नहीं होती 16 ईयर एजुकेशन या उसके मुताबिक उसका स्टेटस नहीं होता, तो वो फिर एक तो हमारी जो मेन स्ट्रीम है जो लर्निंग है या जहाँ पे हमने अर्निंग करनी होती है वो बेचारा सारी उम्र जो है वो कुरान पढ़ा पढ़ा के 1,000, 1,500, 2,000। एक हमारे साथ में जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ बच्चा वो तो 3-3-4-4 लाख ले रहा था, और जो क्लर्क बेचारा था 20-25-30 हजार। तो हमारी ये 3 डिफरेंट सिस्टम है। होना बेसिकली क्या चाहिए था कि हमारा इसमें से कोई एक सिस्टम हो जाए लाइक चाइना की तरह, लाइक जापान की तरह,
गवर्नमेंट का सिस्टम है, पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट का कर लें। अच्छा जी, अगर आपका ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है तो पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम हो, मदरसे का है तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक सिस्टम होना चाहिए। आप सोल्यूशन में डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए फिर अभी सिंगल नेशनल करिकुलम जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की 2018-19-2020 के अंदर उन्होंने ये दिया था, इसका सोल्यूशन इसमें ना डिस्कस कीजिएगा, इसमें फिलहाल ये कीजिएगा। नंबर 4 के ऊपर है टीचर्स अपॉइंटमेंट एंड टीचर्स ट्रेनिंग। अब आप यहाँ पे ये स्टांस ले सकते हैं कि हमारे जो टीचर्स है, जो जिसने एक कौम बनानी होती है, सबसे पहले उसका ट्रेनिंग क्राइटेरिया आप देखें कि क्या है। पहले जो होता था कि जो कुछ भी नहीं करता था, एजुकेटर्स के कोटाज होते थे एमपीएस और एमएनएस के, वो अपनी मर्जी से टीचर जो है वो एलोकेट कर देते थे, उस बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं वो सारी उम्र टीचर रहता था। नंबर 2, अब किस तरह पॉइंट हो रहा है आजकल, अब थोड़ा सा इन्होंने सख्ती करके पीपीएससी के थ्रू जो है वो स्टार्ट किया है। दूसरा क्या होता था, एक टीचर जब लग जाता था, बन जाता था, उसकी सारी उम्र ट्रेनिंग ही नहीं है। अब यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि यार एक जो टीचर है, जैसे एक सीएसपी है, उसकी 3 साल ट्रेनिंग चलती है, पहले सीएसए में, फिर उसके बाद उसकी स्पेशलाइज चलती है, फिर उसके बाद अंडर ट्रेनिंग लगता है, आफ्टर 3 ईयर्स उसकी जो है फर्स्ट पोस्टिंग होती है। अब यहाँ पे करेंगे यार, जो एक टीचर है वो ग्रेड 70 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 21 से 22, सीएसएस में क्या होता है, स्टाफ कॉलेज, निपा कॉलेज, जब आपकी प्रमोशन होती है वहां पे आपने 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का कोर्स करना पड़ता है, आपको बाहर जाना पड़ता है, वहां से कोर्स करके आते हैं, फिर आपके आगे जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है। तो हमारे यहाँ पे अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली टीचर्स की ना तो कोई ट्रेनिंग है लाइक सीएसएस 3 सालों की, और जब वो टीचर बनता है डायरेक्ट जाके स्कूल रिपोर्ट करता है, सारी उम्र उस बेचारे ने जो भी उसको चीजें आती या नहीं वो लोगों के ऊपर जो है वो जो इम्पोज करता है। नंबर 5 के ऊपर है हमारा सिलेबस आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्या मतलब होता है कि जो 2023 है इसकी नीड्स के मुताबिक नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड चीजें नहीं। फॉर एग्जांपल, हमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो पता है 1979 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्हें किस वजह से मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिटरेचर पढ़ाना है, लिटरेचर अगर पढ़ाना है तो उस बच्चे को अभी जो 2022 में या 2023 के अंदर नोबेल पीस प्राइज है, हमें उसका पढ़ाना चाहिए था कि उसको किस वजह से मिला है। तो हमारे जो सिलेबस है वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। हम ठीक है हिस्ट्री पढ़ाए, हम पाक फिर पढ़ाए, हम हर चीज पढ़ाए अच्छी, तो अभी ये बात कर रहा था आउटडेटेड सिलेबस के अंदर कि हमारे रिसर्च ओरिएंटेड सिलेबस नहीं है, जिसके अंदर हमारी लेटेस्ट रिसर्चेस जो है 2022 की, 21 की, 23 की, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। हम ठीक है इस्लामियत पाक फिर पढ़ाएं, उनको थोड़ा सा जो है वो जो है उसकी परसेंटेज या उसकी जो रेशियो है थोड़ी सी कम करके, लेटेस्ट बच्चे को जो है इन चीज़ों के ऊपर, सोशल मीडिया का हमारा दौर है, बच्चे को कॉन्टेंट राइटर बनाए हम, उसको जो है वो सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर बनाए हम, उसको वेबसाइट डिवेलपर बनाए, ठीक है। इस टाइप की वो जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल में मैट्रिक से इंटरमीडिएट में वो स्टार्ट होनी चाहिए, वो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 6 के ऊपर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप बता दें कि हमारे 65% जो आबादी है वो हमारे रूरल एरियाज में रहती है। अब रूरल एरियाज में जो 4 दीवारी है वो वहां पे अवेलेबल नहीं, स्कूल के अंदर जो है वो पंखे या चेयर्स वो वहां पे नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें लैब या इंटरनेट, तो अगर लाहौर शहर के अंदर वहां पे अक्सर मेरे यहाँ पे कभी कभार नहीं आ रहा होता, तो जो बेचारे देहात के अंदर बैठे हैं वो कहाँ से इंटरनेट यूज करेंगे। तो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ पे रूम्स वगैरह होते हैं तो ये पर्पस बिल्ड बनाए जाते हैं। पर्पस बिल्ड का क्या मतलब है, उसमें मल्टीमीडिया होता है, उसमें एयर कंडीशन होता है, कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। अब रूरल एरियाज में क्या है, वहां पे 4 दीवारी तक नहीं है, वॉशरूम नहीं है, चेयर नहीं है, वहां पे आपकी कंप्यूटर लैब नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो रीजन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। नंबर 7 पे हमारी करप्शन, वो जो हमें आ जाता है 1.4%, जिसका भी हमारा GDP 1.4% ऑफ द GDP है, उसमें आधा जो होगा 0.7% वो करप्शन की नजर हो जाएगा, आने में, पहुंचने में, क्लर्क को देने में, फिर अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो आधी सही बनेगी, आधी उसका मटेरियल हल्का होगा, आधा तो हमारा करप्शन ही चल जाता है। क्योंकि हमारे जो मुल्क के जो रूलर्स हैं वो आपने देखे होंगे, जाहिर बात है जिस तरह के रूलर्स होते हैं
वैसे ही कौम होती है, उन्हीं कौमों में से जो अल्लाह ताला जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट के अंदर है रोट लर्निंग, हमारी क्रिएटिविटी है ही नहीं, हमारी डे वन से बच्चे का एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार, अब उसे नहीं पता होता कि एक दूनी दूनी क्या होती है, उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें नहीं पढ़ाते उसको। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी आज तक कभी टीचर ने ये नहीं बताया था कि यार टेंसेज है उनके अंदर किस तरह हमें लिखना है, इंट्रोडक्शन है तो कौन से टेंस लिखना है। बस एक दिन में 12 पढ़ा दिए, रिविजन हो गई, 14 साल पढ़ा, लेकिन कभी भी हमें इंग्लिश जो है वो हमारी बेहतर नहीं हो सके। तो ये 7-8 इसके जो है वो कॉजेस है फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इम्पैक्ट के अंदर आप बता सकते हैं कि हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं बन सके, हमारी लाइक मलेशिया जो हमारा फॉर्मेट फॉलो करते थे, लाइक हमारी जो है साउथ कोरिया जो हमें फॉलो करते थे अर्ली 1960-65 में, आज वो एशियन टाइगर हम पीछे फिर हैं। फिर हमारे कोई बेस्ट साइंटिस्ट नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर आ गए हैं जो उनके साथ हुआ, और उसके बाद हमारे कोई भी साइंटिस्ट बनने को उसके अंदर तैयार नहीं है। नंबर 3 के अंदर आप बता दें कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन फिर भी जो है वहां पे पॉवर्टी है, उसके रीजंस क्या है? इंग्लिश है तो सबने मास्टर इंग्लिश कर लिया, लॉ है तो सबने लॉ में कर लिया, एमबीबीएस है तो सारी एमबीबीएस, अब कितनी जॉब है? 100, 200, 500 हजार एमबीबीएस कितने कर रहे हैं? हर स्कूल कॉलेजेस बेशुमार यूनिवर्सिटी जो है इसके डेंटल और मेडिकल बन गया, पता नहीं कितनी हजारों की तादाद में, लेकिन आगे सीट्स कितनी थोड़ी से। तो वो पढ़ा लिखा बंदा होता है लेकिन सुबह जॉब एक ही बच जाती है कि मैं सिक्योरिटी जो है गार्ड वही लग जाओ। फिर इस वजह से हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट इलिटरेसी है, फिर हम अपने जो जीडीपी हमारी वो इंक्रीज नहीं होती। जरूर अगर चाइना की तरह स्किल्ड हो और वहां पे पता हो कि हमने एजुकेशन में इतने पैदा करने हैं, हेल्थ में इतने करने हैं, लॉ के अंदर इतने करने हैं, हम अगर एक प्लान करें तो फिर ये जो हमारी चीजें ये ठीक हो सकती हैं। अगर रेमेडीज है, रेमेडीज के अंदर जो पहला है जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हमारा फ्यूडलिज्म है, तो पहली रेमेडीज इसकी होनी चाहिए इबॉलिश फ्यूडलिज्म। फिर दूसरा हमारा लैक ऑफ एजुकेशन बजट, तो यहाँ पे फिर हमारा होना चाहिए कि एजुकेशन बजट कम से कम इंक्रीज करके हमारा 4% होना चाहिए। तीसरा जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए सिंगल नेशनल करिकुलम, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया लेकिन उसको पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहिए, एक दो जगह पे था लेकिन वहां पे वो खत्म हो चुका है। फिर 4 के ऊपर है टीचर्स अपॉइंटमेंट मेरिट के ऊपर हो और सीएसएस के पैटर्न के ऊपर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आउटडेटेड सिलेबस के अंदर जो है हमारा रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो रेमेडीज के अंदर आप देख सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जहरी बात है कंप्यूटर लैब जितनी भी चीजें हमारी पर्पस बिल्ड कैंपस जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। करप्शन है तो जहरी बात है अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इंश्योर करे रूल ऑफ लॉ और स्ट्रेंथन करे जुडिशरी को, और रोट लर्निंग की जगह हम जो है वो क्रिएटिविटी ये चीजें ऐड करें। तो ये था आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसके कुछ डिफरेंट एंगल्स भी हमारे बनते हैं जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम, होप्स एंड हर्डल्स, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड एनालिसिस ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हायर एजुकेशन भी आ जाता है हमारा, हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज। तो हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज अलग मटेरियल है, रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम अलग है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन अलग है। तो जो आज पढ़ा है वो एनालिसिस करता है ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कॉजेस, इफेक्ट्स और रेमेडीज था। बाकी जो आपके 2-3 टॉपिक है उसके ऊपर फिर आप लोगों ने जो है उसके आउटलाइन बनाने थे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान।